तो हेलो गाइस, सब स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं नेक्स्ट ऑफ मॉन। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, असल में तो पिछला एपिसोड कुछ खास था नहीं, बट या फिर भी बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोग ने थोड़े बहुत रेयर नेक्सो मॉन्स पकड़े थे, तो या तुम लोग उसके लिए पिछला एपिसोड देख सकते हो। कि स्टोरी वाइज तो कुछ खास नहीं हुआ था, और एक हम लोग मिस्टीरियस स्टैचू भी देखे थे, तो भी जाकर पिछले एपिसोड में देख सकते हो। या और मतलब बढ़िया बढ़िया नेक्सो मॉन हमने देखा था, तो तुम लोग को पता चलेगा कि कहाँ कौन से लोकेशन पर मिलता है, तो तुम लोग भी पकड़ सकते हो। या क्योंकि वो मेगा रेयर था और एक रेयर था, तो तुम लोग की मर्जी, जाके पिछले एपिसोड देखना है तो देख लो। वैसे बढ़िया ही था, मैं कहूँगा एक हिसाब से इतना भी बुरा एपिसोड नहीं था पिछला वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सिटी में। मतलब अपन ढूंढ रहे थे हिडन विलेज, तो आगे बढ़ते हैं हिडन विलेज ढूंढने के चक्कर में। मतलब कल तो कल्याण ही हो गया, इतना टाइम अपन वेस्ट किए मतलब हिडन विलेज में। और कल का एपिसोड थोड़ा छोटा भी था, क्योंकि मेरे को काम से बाहर जाना था, तो या इसलिए मैंने जल्दी एपिसोड ख़त्म कर दिया। चलो ठीक है, ये बंदे से बात करते। भाई ये पेवर आदिवासी इन लोग तो बोले, ग्रैंड मास्टर उल्जर द ग्रेटेस्ट वॉरियर वॉज बर्न हियर। ओके, कोई उल्जर नाम का बंदा है जो बहुत मतलब खतरनाक बंदा है। ही सेव्ड आवर वर्ल्ड, ही सेव्ड आवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। ओके, तो इन लोग का उल्जर जो भी नाम है वो बंदे का, उसने इन लोग को बचाया था आई थिंक। या इसके कहने का मतलब तो यही है। या आंटी से पूछते हैं, मैनी मैनी सीक्रेट इन द ओल्ड जंगल, हे यू नीड कैन आईज लाइक अल्जर टू अनकवर देम, हे। तब बोल रही है कि इस जंगल में बहुत सारे राज छुपे पड़े हैं, तो तुम्हारे पास अल्जर जैसी आंखें हैं जो पता नहीं कौन था, तो तुम वो राज को पता कर सकते हो। तो या तो अपना काम है, या आई थिंक सो हिडन विलेज है, पढ़ के देखते हैं क्या है भाई ये। जर्नल शो जंगल एरिया। ओके ठीक है, ये हिडन विलेज नहीं है, तो अपना काम है हिडन विलेज फाइंड करने का। ऊपर जाए नीचे, चलो ठीक है नीचे चलते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डाउन देयर, अ डीप डार्क डेंजरस एंड अ मिस्टीरियस डंजन आर इनसाइड, वी शुड नॉट टाइम फॉर दिस, लेट्स गो। ये रोबोट मेरे को हमेशा रोकता रहता है, बोलता है अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, खतरनाक डंजन है। डंजन मतलब वो जो केव वेव होता है वही है, तो या तुम्हारे लिए जाना खतरनाक होगा, क्योंकि ये रोबोट भूल चुका है, हम लोग ओवर पावर हो चुके हैं, हमें हराना एक हिसाब से ये इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि आप उन चिंगम के बहुत बड़े फैन हैं। ओके, वो भाई कूल दिख रहा है, बट नहीं चाहिए, अनकॉमन है। ओके, इसके सिर पे देखो क्या अजीब सा मतलब क्या फ्लावर टाइप का एक और नेक्सोमॉन है, मतलब नेक्सोमॉन के ऊपर एक और नेक्सोमॉन, अलग ही लेवल स्वैग है बोले तो। ओके, कौन सा नेक्सोमॉन आ रहा है, ओ भाई यहाँ ऑल टोटल बोले तो पेवर बग टाइप ही मिलेंगे। मतलब ये एक उसके ऊपर देख रहे हो कैक्टस टाइप होता है, एक आई थिंक कैकनिया नाम रहता है या कुछ और नाम रहता है, मतलब पोकेमोन में भी एक ऐसा पोकेमोन है जो प्लांट वाला। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास किए। इतना छोटा छोटा रूट होता है इसमें, बहुत बेकार लगता है, मतलब एकदम बड़ा सा हो, एकदम खतरनाक सिटी बनाना मांगता है। बट या एक हिसाब से पोकेमोन गेम्स है तो थोड़ा बहुत बढ़िया है, मतलब जीबीए वर्जन से, 3DS वर्जन से बढ़िया नहीं बोल सकता हूँ, बट कई कई मामलों में 3DS वर्जन से भी बढ़िया रहता है ये गेम, पता नहीं क्यों, बट मेरे को लगा कई मामलों में। जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसका ग्राफिक्स, मतलब 3DS में भी बढ़िया ग्राफिक्स है, बट या इतना हार्ड नहीं है। अभी जो पोकेमोन का नया क्या बोलते हैं शाइनी पर्ल कुछ तो नाम है, वो नया निकल रहा है ना, बिल्कुल उसके तरह ही ग्राफिक्स हैं इसके, थोड़े बहुत मतलब उससे बढ़िया है एक हिसाब से तो। ओ एन आउटसाइडर, हेलो द हिडन विलेज, द एल्डर वुड नॉट लेट यू टॉक अबाउट दिस, सॉरी। ओके, मतलब बोल रही है कि हमारा जो कोई है इन लोग के बड़ा माना जाना बंदा जो एल्डर होता है विलेज का, वो बोलता है कि तुम नहीं बता सकते हिडन विलेज के बारे में। ओके, ये रो क्यों रही है, बता दे। ओके, आई रूइंड एवरीथिंग, आई एम अफेयर्ड, क्यों भाई क्या हुआ, दिस इज सो रॉन्ग एंड इट्स माई फॉल्ट, है सारी गलत भी हुआ और गलती भी इसकी है। हेलो, ओ नो, अरे हुआ क्या बता दूँ, देख आई कैन हियर वॉइस नाउ, आई एम गोन अ क्रेजी टू, ओ भाई साहब तो बंदी पगला उगला गई है। एक कम ऑन, एक वे आर द वॉइस आर मैड इट मी, बोलती ये आवाज़ मेरे ऊपर गुस्सा क्यों है, कतई पगला गई है। द वॉइस, यू वॉन्ट टू टर्न अराउंड, बोलता है पीछे देखती रहे,
बोलती कोई नहीं है, अदर साइड दूसरे साइड देख बेवकूफ। ओके हु आर यू? डेना, दैट्स माई नेम, आई एम एन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर होकर रो रही है भाई, क्या ही बोल रहा। वे आर यू क्राइंग? आई एम अ परफेक्ट एक्सप्लोरर, मतलब बोलती है मैं बहुत बेकार एक्सप्लोरर हूँ। आई वॉज सो क्लोज टू फाइंड द हिडन विलेज, बट द टनल वॉज सो डार्क एंड क्रीपी, आई जस्ट रन अवे, दिस इज सो सैड। ओके, तो ये हिडन विलेज के बहुत ज़्यादा करीब थी, बट एक टनल के आप साइड से साइड में होएगा, तो उसको वो टनल में जाने से डर लग रहा है। काई बात का एक्सप्लोरर है भाई, एक्सप्लोरर तो हर जगह एक्सप्लोर करते हैं। हिडन विलेज, यस, अ सीक्रेट प्लेस वेयर एंशिएंट टेमर्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड टूगेदर। ओके, बोल रही है एक सीक्रेट प्लेस जहाँ सारे एंशिएंट टेमर्स इकट्ठा होते हैं। अ सीक्रेट प्लेस, इफ अ डॉक्टर मार्गो इज हाइडन फ्रॉम द नेक्सोलॉर्ड, दैट वुड बी द परफेक्ट प्लेस, मे बी सी फाउंड इट। डेना, प्लीज शो अस द पाथ, यू आर गोइंग देयर, यू आर नॉट अफेयर्ड। अरे भाई, हम लोग नहीं डरने वाले हैं भाई, क्या समझ रही है हम लोग को? नोप, इन दैट केस, ओ भाई इतना खतरनाक कूदता कौन है भाई, अर्थक्वेक आ गया, प्लीज टेक मी विथ यू। बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे ले चलो। ओके, या वॉट एवर, चलो। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टनल समवेयर इन द स्टेलमेंट यू जस्ट कम फ्रॉम, या आई थिंक आई डिड सी अंडर ग्राउंड लीडर बैक देयर, लेट्स गो लेट्स गो, वी कैन लेट एनी अदर एक्सप्लोरर बीट अस। ओके, तो वो डार्क टनल था, उसके अंदर जाने से रोबोट का बच्चा रोक रहा था, आई थिंक उधर ही अपने को जाना है। तो या तो पहले थोड़ा बहुत इधर सर्च वर्च कर लेते हैं, या आखिर है कौन सी जगह, थोड़ी इसके बारे में जानते हैं। प्योर केस, गो अवे लिटिल किड, खान इज़ नॉट कीपिंग आउटसाइडर, गो अवे। ओके, तो खान बंदा जो है इधर का ओवरसीयर, वो आउटसाइडर को नहीं आने देता है, यही कह रहा है। ओके, यहाँ कुछ बढ़िया नेक्सोमोन, ये मछली का बच्चा, इसको तो कभी मैं फ्राई बना के खा जाऊँगा। मतलब या नेक्सोमोन में भी मतलब होते होंगे, क्या खाते होंगे सोचने की बात है, फल फ्रूट खा के तो ज़िंदगी भर सबका नहीं कटने वाला। तो या आई थिंक उन लोग नेक्सोमोन को ही खा जाते होंगे, जैसे जो मछली वछली होती है, आई थिंक सो। ओके, ये पाथ ब्लॉक है, वह दहेक, चलो ठीक है, चलते हैं अपने रूट पे। तो अभी स्टोरी की तरफ, तो अपने को जाना है वो डार्क टनल पे, तो उधर के पास ही अपने को हिडन विलेज मिलेगा, तो लेट्स गेट गोइंग बॉय। क्या बात है, वो बच्ची मतलब तो क्या ही एक्सप्लोरर है, उसके इतना हार्ड एक्सप्लोरर आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब एक्सप्लोरर होकर डर रही है, एक्सप्लोरर काम होता है डार्क जगह पर, ख़तरनाक जगह पर जाना, और उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब कुछ भी है। ओके, तो लेट्स गो टू द टनल एंड लेट्स फाइंड द हिडन विलेज, ये बॉय। ओके, तो फिर से एक सस्ता टनल, मुझे पता नहीं क्यों इस गेम का टनल इतना कुछ खास नहीं लगता है। मतलब पहले शुरुआत में बढ़िया लगा था, बट इधर डायमंड वायमंड पड़े रहते, कोई बंदा डायमंड वायमंड में लेता ही नहीं। मतलब अपने रियल वर्ल्ड में यहाँ ऐसा टनल मिल जाए, ओ भाई फेदरा, यही तो मेरे को चाहिए था बॉय, लिटरली फेदरा, ये बॉय। क्या बात है यार, अलग ही लेवल स्वैग चल रहा है, फेदरा अपने को मिल गई, ये बॉय, ये फेदरा के बच्चे तेरे को मैं पकड़ेगा। ओ नंबर बाइंड हो गई, मारना नहीं, ये बॉय सही है, एकदम सही, 19 का हेल्थ बचा है, बाइंड भी है, पकड़ने में आसानी होगी। मैं भाई फेदरा को पकड़ने के लिए लिटरली बहुत पीछे गया था, बट मेरे को उधर फेदरा नहीं मिला था, बट यहाँ आके इस केव में फेदरा मिल रहा है, मज़ा आ गया यार। ओपी 30 लेवल का, इनसेन लेवल ऑफ फेदरा। ओके, नॉट बैड, बाइंड है, भाग तो नहीं सकता, वैसे मार भी नहीं सकता है, तो ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ट्रैप, आजा फेदरा के बच्चे, तू बंधा हुआ है फिर भी इतना नखड़े कर रहा है यार, इतना तो लेजेंडरी नखड़े नहीं करते। ओके, आई थिंक सो, आ गया, आजा। ओके, फाइनली वी कैन कैच फेदरा, एक और स्पेशल नेक्सोमोन, तो तू भाई मेरे सीधा पार्टी में आएगा, ऐड टू पार्टी। तो मैं एंग्लो, आई एम सो सॉरी, बट फेदरा तेरे से ज़्यादा बढ़िया है, तो यू कैन गो नाउ टू द बॉक्स, या गो ऑन द बॉक्स, और अपने साथ आ गया फेदरा। ये फेदरा को भाई लिटरली पकड़ने के लिए मैं कितना पीछे गया था यार गेम में, बट यहाँ आके मेरे को फेदरा मिल रहा है, अलग ही लेवल स्वैग है। बट या तुम लोग को भी इधर फेदरा मिल सकता है जैसे मेरे को मिला,
ओ भाई ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है नेक्सोमॉन, मतलब ये जेली टाइप का नेक्सोमॉन है, ओपी, मज़ा ही आ गया। तो क्या एपिसोड है यार आज का, लई भारी एपिसोड है। तो मतलब एक तो अपने हिडन विलेज भी यार ढूंढ लेंगे, प्लस अपने को एक स्पेशल वो भी मिल गया, बहुत भारी, क्या बात है, एक स्पेशल टाइप नेक्सोमॉन। ओके, एक आदिवासी, क्या हुआ भाई हमको रोकेगा, वैसे शक्ल से लग ही रहा था रोकेगा। ठीक है, वो भाई इसका हेल्थ मास्क मेरे को पसंद आया, काशी मिलता हेल्थ, ये क्या होता है हेल्थ, देयर इज नो प्लेस फॉर आउटसाइडर, नो आउटसाइडर, ओके, मतलब बाहर के लोग को अंदर नहीं जाने देगा ये बॉडी गार्ड इधर का लगता है। एंड हु माइट यू बी, तुम कौन हो, साइलेंस, नो मोर स्टेप्स, आगे मत बढ़ना, बोलता है रुक जाओ इधर ही। भाई ये एक नंबर है, मतलब उसका मास्क मेरे को एक नंबर लगा, बाकी कपड़े बेकार हैं, ऐसे कपड़े इसने पहने ही कहाँ हैं, ये भी बात तो है। ओके, यू कैन फाइट मी बॉय, ओके, ये बॉय हमसे फाइट लेगा, बॉय ये ले बॉय, पिटिया बॉय हम, ओके, बट यहाँ फाइनली इन लोग स्ट्रांग बंदे हैं ये मैं कह सकता हूँ, क्या इन लोग सचमुच, ओ तेरी तो मिस हो गई, ओके, इसका भी फेल हो गया, लई भारी। अब मेरा दोबारा नहीं फेल होगा, मतलब पत्थर को मैंने तोड़ ही डाला, मेरे को इसमें हर एक टर्न के बाद काश, मतलब यार इसका एक चीज़ बेकार है, मतलब हर एक टर्न होता है तो उसमें पूछता है कि तुम अपना पोकेमॉन स्विच करोगे कि नहीं, बट इसमें नहीं स्विच करने को मिलता है। तो ये फाइटिंग टाइप है, तो व्हाट कैन आई यूज़, ओ यार मैंने इसका लेवल 10 ही रखा है, मेरे को इसको ऑफलाइन मतलब थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर। चलो ठीक है, बैडम को बुलाते हैं, बैडम आराम से संभाल लेगा इसको, मेरे को इतना तो पता है ये बंदा पावरफुल है बहुत ज़्यादा बैडम अपना, क्योंकि अपना ये स्टार्टर है और अपना ओ तेरी तो कन्फ्यूज, आई हेट दिस कन्फ्यूज़न, देखते मेरे पास है क्या कन्फ्यूज़न का एंटीडोट, इतना लवकर पटकर क्यों क्लिक करता हूँ। ओके, कन्फ्यूज़न का 2 है, बहुत हार्ड, मैंने अच्छा हुआ ले लिया था, असल में मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कब कन्फ्यूज़न का पोशन लिया था, बट ठीक है अच्छी बात है कम से कम अपने पास है। मेरे को ये यूज करना चाहिए था, जब मेरे पास इतना पावरफुल अटैक है तो मैं चिंदियो वाला अटैक क्यों यूज करता, ओ तेरी तो ग्रास टाइप वाट लग गई, मेरे को एक फायर टाइप पकड़ना था, बट अभी तक मेरे को एक भी अच्छा फायर टाइप मिला नहीं है, ये बहुत बुरा हुआ, बट छोड़ो। ओके, ये बंदा अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये ले, वैसे अपना बेडोम एक नया अटैक सिखा था ना, बेडोम भी, और क्या नाम है वो, ए बाइंड, यार नफरत है मेरे को ये सब ट्रैप अटैक से, बहुत ज़्यादा नफरत है। ओके, बाइंड, एंटीबर्न, फ्रीजन, कन्फ्यूजन, ओके, बाइंड नहीं है, बहुत तेरी तो लग गई अपनी वाट, लग गई अपनी वाट, अपन ये बैटल हार सकते हैं, ऑफ कोर्स आराम से हार सकते हैं भाई, लौंडा स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा हाई लेवल के नेक्सोमॉन कौन रखने को बोलता है यार, मतलब मेरे भी हाई लेवल के, बट इसके कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल हैं। ओके, फेदरा, आई थिंक सो यू कैन फाइट, बट तू मर सकता है, तो मैं पोशन यूज करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, वैसे ये इजीली हरा सकता है, बट या फिर भी पोशन यूज करते हैं, काय को रिस्क लेना, तब थोड़ा तो डैमेज टेक ले लेंगे। ओके, ग्रास टाइप का इतना फाइटिंग अटैक यूज किया ना, इतना कुछ खास इफेक्ट तो नहीं हुआ, बट अपना वो भाई अपना इफेक्टिव है, मतलब अपन एयर था ना, मतलब एक हिसाब से फ्लाइंग ही हुए अपन, तो या फ्लाइंग टाइप ग्रास टाइप के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, नॉट बैड, आपने हरा दिया किसी भी तरह मर मुरा के। ओके, ग्रेट वॉरियर, अवॉइड आउटसाइडर, प्रेसेस प्रेसेस, ही क्या क्या हुआ भाई इसको, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट गाय, मैं भी वही सोच रहा हूँ क्या हुआ इसको, आई सपोज द हिडन विलेज डज नॉट वॉन्ट अस, ओ वेल लेट्स गो एनीवेयर, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि हिडन विलेज वाले अपने को देख के खुश नहीं होंगे, बट रोबोटवा बोलता है भाड़ में जाए उन लोग, भाड़ में जाए तू, अपन तो जाएंगे। ओ भाई ये तो पेवर बम है, मतलब इलेक्ट्रोड का भाई है, बस क्या है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक टाइप है ये, फायर टाइप है, पूरा रस्सी बिस्सी लगा के घूम रहा है, इसको कोई जला दिया। ओके, बंदा जल्दी बाजी में 100 रुपया छोड़ के चला गया, नॉट बैड भाई, मैं 100 रुपया रख लेता हूँ। ओके, नेक्सो ट्रैप, मैं नॉर्मल वाला है, गोल्डन वाला मिल जाता तो मज़ा आ जाता, चलो ठीक है। ओके, ये सपेरा का बच्चा, ओके, सांप कम का वो ज़्यादा, कछुआ ज़्यादा लग रहा, कछुआ बोल रहा हो, क्या बोलते हैं, केचुआ ही बोलते हैं ना उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गया थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं आगे और उस का पता लगाते हैं पहले। अरे यार
क्यों इतना परेशान करते यार, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हें, चुपचाप मैं जा रहा हूँ, जाने दो। और ये बिल्ला ढिल्ला है, मतलब ये इसको मेरे को थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, बिना लेवल अप करे तो मैं नहीं जीत सकता। बट यार इस ओवरसियर को हराने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग को पक्का लेवल अप वो मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक और स्पेशल हंटिंग करने वाला हूँ, तो वो अगले एपिसोड में तुम लोग को दिखा दूँगा, बट वो ऑफलाइन में स्पेशल हंटिंग करने वाला हूँ। तो या तो लेट्स गेट गोइंग बॉय। ओ भाई एक और रोकने वाला, बट इसका शक्ल देख कर लग नहीं रहा वो फाइट करेगा। चलो अच्छी बात है, मेरे को एक फायर टाइप चाहिए यार, तुम लोग को पता है कोई नेक्सोमोन फायर टाइप स्पेशल में, तो मेरे को बता दो मतलब कहाँ मिलता है लोकेशन, वैसे तो मैं ढूंढ लूँगा बट फिर भी तुम लोग बता दो तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ओके वॉस इन्वेडर क्या हुआ, यू रिग्रेट इन्वेडर कमिंग। ओ तेरी यार कितना लड़ोगे यार, तो तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं, यहाँ मेरे नेक्सोमोन मारे गए, उन लोगों को लड़ने की पड़ी हो, वैसे मेरे को रिवाइव कर लेना चाहिए था जब मेरे पास रिवाइव है तो। ओ भाई साहब नॉट बैड बॉय नॉट बैड। ओके मेरे पास नेक्सोमोन है ना इसके खिलाफ भिड़ने वाला, बट उसका हेल्थ नहीं है इस, ठीक है आई थिंक सो कोई खतरनाक अटैक ना करे, ठीक है नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट बैड बॉय नॉट बैड। ओ तेरी तो मैं हार गया। ओके ये बेवकूफ़ वाला अटैक किया इसने, बहुत बढ़िया बेवकूफ़, ऐसे बेवकूफ़ बना रहा कर। ओके इलेक्ट्रिक टाइप मैं गया, ये क्या किया, ओके पावर बढ़ा रहा है बंदा, बहुत बढ़िया काम कर रहा भाई लौंडे, तू तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे ही काम किया कर बेवकूफ़ों वाले। ओके आई थिंक सो थंडर टाइप अटैक इफेक्ट ना हो, ओके बाइंड करने की कोशिश कर रहा, बाइंड मत हो यो, ओके नहीं हुआ बहुत बढ़िया, इसके ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं है, मतलब यार मेरी वाट लग गई इधर और उसने मेरा अटैक कम कर दिया, बेवकूफ़ क्या बोलते हैं मछली के बच्चे, ये मछली है क्या है या फिर, मतलब ये क्या कूल लग रहा है बट है कि क्या यार। इलेक्ट्रो वॉट बहुत नाम बकवास नाम है, इलो वॉट है, ओके कन्फ्यूज ये बॉय बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, फैदरा तू तो कमाल का है। ओके इसके पास भी बेवर है स्पेशल, तेरी तो मेरी वाट लगा दिया यार, मैं तो बस इसकी तारीफ़ कर रहा था, तारीफ़ के चक्कर में मेरे को तारीख दिखा दिया। ओके नॉट बैड बॉय, तो आई थिंक सो अपने को यूज करना पड़ेगा अपना स्पेशल पावर वो स्पाइंक, तू कतई ओपी है, तू चाहे कितना भी कम लेवल का हो स्पाइंक तू ओपी है तो ओपी है भाई, मानना पड़ेगा स्पाइंक से ज़्यादा ओपी कोई नहीं है, देख रहे हो कैसे इसको धूल चटा दिया, वैसे मेरे पास टाइप एडवांटेज था बट लेवल एडवांटेज नहीं था। तो या ओके अपना बिल्ला ढिल्ला 11 लेवल का हो गया, चलो कुछ तो हुआ मतलब एक लेवल तो बढ़ा फिलहाल के लिए। ओके इसको भी हरा दिया, आई सी द लीडर ऑफ विलेज नो हिज विल नो, ओके ये भी जा रहे हैं मतलब अपने लीडर विलेज को बताने, दे आर पुटिंग अवे टू मच एफर्ट ऑफ अस, व्हाट कुड दे बी हाइडिंग। हाँ बात तो सही है, मतलब ये बंदे हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है उस विलेज में जो हम लोग को रोक रहे हैं। चलो ठीक है पहले हीलिंग कर लूँ, फिर उसका तो मिस्ट्री अपन पता लगा ही लेंगे, क्योंकि अपन उसी लिए जा ही रहे हैं उस विलेज में। इसको रिवाइव दे दो, एक और रिवाइव तो भी, एक और रिवाइव, फेदरा भी अपना मारा गया ना, जैसे फेदरा का भी इवॉल्व होता है मेरे को देखना पड़ेगा। ओके अब पोशन अपने को चाहिए, पोशन तू ले ले, एक और पोशन ले ले, ओके तू भी ले ले भाई, तेरी तो इसके ऊपर नहीं यूज करना है वो पोशन, यूज बेडम, एक और पोशन बेडम, ओके इसमें बहुत टाइम लगता है यार इन लोगों को पोशन देने में, या चलो ठीक है फेदरा इतने पे ही काफ़ी है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया इधर, और वो तो अब तक अरे अपने चीफ को बता भी दिए होंगे कि एक बंदा आ रहा है बहुत तबाही वाला, उसको फोड़ना पड़ेगा, तो या उन लोग हथियार वथियार लेकर तैयार रहे तो अपनी तो वाट लग जाएगी, बट या अपन हरा लेंगे क्योंकि अपने नेक्सोमोन्स हो गए हैं रिवाइव, और वो अपने नेक्सोमोन के सामने चाय कम पानी है। ओके एक और रिवाइव मिल गया, इसी बात पर क्या बात है, रिवाइव बोलने पर रिवाइव मिलता है तब तो मैं डेली रिवाइव बोलेगा, फ्री में रिवाइव भी रिवाइव मिल जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ओके अब पहुँच गए क्या हिडन विलेज कि नहीं पहुँचे, ओके ये कोई जंगल हिडन विलेज पहुँचने का आई थिंक सो रास्ता है, या क्या हुआ भाई ये कौन आ गया आइला जादू, आई कांट, ओके ये बंदी जो अपने साथ आ रही थी डेना, आई कांट बिलीव वी हैव कम दिस फार, ओके ये इसको विश्वास नहीं होता कितना आगे आ गई, डिड यू नेट दैट
टेमर ओवरसेयर लिव हियर। ओके, तो यहाँ ओवरसेयर खान रहता है। यू आर टेलिंग विस अस दैट नाउ। ओ डोंट वरी, ही रिटेलेड बिकॉज ऑफ ऑफसाइड द काउंट नेक्सो लॉर्ड। ओवरसेयर खान इज अ लॉयल ओनली द प्रोग्रेसिव नेक्सो लॉर्ड मास्टर रीमस। ओके, तो ये मास्टर जो रीमस था ना पहले का नेक्सो लॉर्ड, जिस जो अच्छा बंदा था अपने मिले थे उससे, मतलब सेकेंड ओवरसेयर से, तो या ये उसका ही मतलब चेला था एक हिसाब से। ओ हाँ, आई फॉरगॉट रीमस इज टू बी नेक्सो लॉर्ड, मतलब रोबोट बोल रहा, हाँ मैं भूल गया था वो भी एक नेक्सो लॉर्ड था। डैट बिकॉज दैट्स बेसिक हिस्ट्री। ओके, वॉज लिटरली बॉर्न ऑफ अ फ्यू डेज अगो। अ करंट नेक्सो लॉर्ड बीट रीमस देन अपॉइंट हिम एज अ ओवरसीयर। ओके इंटरेस्टिंग। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगेट, प्लीज टेक दिस सप्लाइज यूनिट टू देयर मोर देन। ओके ये क्या है, एथर एंड रिवाइज फाइव पोशंस। ओके सब फाइव फाइव दिए, बहुत बढ़िया काम की, तो सही लौंडिया है, बहुत काम आएगी। यू शुड ऑल्सो टेक द नक्सो ट्रैप्स, आई हियर दिस मैनी एक्स्ट्रोक। ओके पांच नेक्सो ट्रैप, अरे सुपर नेक्सो ट्रैप देना चाहिए था ना, नल्ला वाला क्यों देती। वेट डिड यू जस्ट स्पिन, आर यू ओके, जस्ट इग्नोर इट देना, क्या हुआ। एनी वे लेट्स कीप गोइंग एंड द हिडन विलेज मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर। ओके ये लौंडिया तो बहुत सही काम करती, मतलब बहुत सारा चीज़ अपने को फ्री में बांट दी यार, मतलब अपने को नेक्सो ट्रैप मिल गया, पोशन मिल गया, एथर मिल गया, और पता नहीं क्या क्या दी, रिवाइव भी दी आई थिंक सो। या तो चलो चलते हैं हिडन विलेज की तरफ और हराते हैं ओवरसेयर खान को, और इसका भी टाइटल अपन छीन लेंगे और अपन बन जाएगा ओपी, द सुपर ओपी। या ओपी को हराने के लिए हमेशा ओपी चाहिए होता है, क्योंकि सोपी तो नहीं हरा सकता। ओके फाइनली आई थिंक सो अपन लोग हिडन विलेज पहुंच गए। वैसे मैंने बोर्ड नहीं पढ़ा, बोर्ड पढ़ लेता तो समझ भी आ जाता अपन कहाँ पहुँचे हैं। बेवकूफ़िया करना कोई मेरे से सीखे, या बेवकूफ़ों से बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। ओके अभी तक नहीं पहुँचे, बट ये बिल्ला और ये नर्स कहाँ से, इसको एंट्री कौन दिया। ओके खान दिया होगा, क्योंकि हर विलेज में इन लोग का तो काम लगता ही है। ये बिल्ले का तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता, इसको मैं नेक्सोमोन समझ के पकड़ के लेके घूमता, बट ये बिल्ला कम और शॉपकीपर ज़्यादा है, मतलब नेक्सोमोन का शॉपकीपर ज़्यादा है। ओ भाई ये क्या है, बहुत हार्ड क्या नेक्सोमोन है यार। अलगामेड। ओके मरमेड होता तो अलगामेड, बहुत अजीब नाम है, बट ठीक है, बढ़िया दिखती, इतनी भी बुरी नहीं है, अब क्यूट है थोड़ी, कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, डेंजर नहीं है बट क्यूट तो है। लेट्स गेट गोइंग बॉय, आगे बढ़िंग बॉय। और सबसे पहले वैसे जब ये इधर नर्स मिलने वाली थी तो मेरे को रिवाइव करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है फिर भी हील करा लेते हैं, चलो ठीक है। और तू बिल्ले क्या बेच रहा है इधर, ढिल्ले हेलो माय फ्रेंड। अरे ये मेरे को कैसे जानता है, मेरे को समझ नहीं आता है, बिल्ले ढिल्ले लोग मुझे कैसे जानते हैं। ठीक है इसके पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी ये ले लेते हैं थोड़ा सा, आई थिंक सो पाँच काफ़ी रहेगा, कन्फ्यूज़न भी ले ही लेते हैं, मेरे पास है दो ले लेते हैं, चलो ठीक है। एंटी स्लिप वजह से कोई सुलाता तो नहीं है ज़्यादा, अगर कन्फ्यूज ही कन्फ्यूज होता हूँ तो लेने की ज़रूरत तो नहीं है वो। अब कौन सा आ रहा है भाई, ओके फिर से यही नल्ला वाला भाई, मेरे को तू नहीं चाहिए, कोई स्पेशल भेज, जैसे फेदरा आया था मेरे से भिड़ने के लिए वैसे कोई और स्पेशल को भेज। फेदरा तो अपने टीम में आ गया, मतलब बंदा सोचा कि इतनी पावरफुल टीम है तो इसके टीम में क्यों ना चले जाऊँ, मतलब इन बेवकूफ़ों की तरह मैं इधर पहाड़ पे घूमने से अच्छा इसके टीम के मैं घूमूं और एडवेंचर का मज़ा लूं, यही फेदरा का सोच था ऐसा मुझे लगता है। और फेदरा कुछ और सोच रहा होगा तो बात अलग है, जब उसका कुछ और प्लान हो, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। चलो पकड़ में आ जाता हूँ, कम से कम फ्री का खाना मिल जाएगा, या फेदरा का सोच मुझे लगता है यही होगा, फ्री का खाना खाने आया होगा। ओके तो ये बंदा इधर ही क्यों है भाई, मैं आ चुका हूँ भाई, मेरे को रोकने के लिए जाके बोल सबको। ओके व्हाट आउटसाइडर दिस क्लोज द विलेज यू स्टॉप हियर। ओके भाई तो वो दोनों बेवकूफ़ हैं क्या, मतलब उसको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, क्या बात है, क्या कैसे बंदे यार, क्या बनेंगे इन लोग, अरे क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, इसीलिए इन लोगों को कोई जॉब नहीं देता, क्योंकि उन लोगों का काम होता है जाके बताने का, तो जाके बैठ के पानी पूरी खा रहे वहीं। ओके तो ग्रास टाइप मेरे ऊपर इफेक्टिव है, वॉट के नहीं, ओह मेरे पास है नहीं, फेदरा है ना अपने पास, फेदरा आजा बना दे इनका लदरा, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत बेकार डायलॉग मारा बट ठीक है। ओके
99 का डैमेज, कंफ्यूज, ओपी ओपी फेदरा, ओपी फेदरा यू इज ओपी, सुपर ओपी, सुपर डुपर ओपी। ओके वाटर टाइप नॉट बैड, वेल मतलब वेल दिखाया अपना खेल इसीलिए हो गया फेल, उसे बहुत बेकार डायलॉग मारा। तो ये है वाटर टाइप, ओके चलो स्पाइन को ही निकाल लेते हैं, स्पाइन को थोड़ा मतलब ज़िंदगी का मज़ा लेने दो, वो भी थोड़ा मतलब बताए कि इधर का बॉस कौन है। ओ भाई साहब, भाई स्पाइन को ओपी है, सुपर ओपी स्पाइन, कमेंट सेक्शन में लिख दो स्पाइन की ओपी, स्पाइन सच में जो ओपी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, क्या मार रहे, वाट लगा रहे, एक बंदे को भी नहीं छोड़ रहा है, कतई फोड़ डाल रहा है। ओके टोका, ये टोका तो मैं पकड़ चुका हूँ, टोका तुझे पड़ेगा मौका ऐसे, और तेरे को मिलेगा लड़कियों से धोखा। क्या बकवास डायलॉग मारा, बट ठीक है बकवास तो है, उसका नाम बकवास है तो मेरा डायलॉग भी बकवास है, मतलब बकवास नाम के लिए बकवास डायलॉग। ओके ठीक है, नॉट बैड बॉय, नॉट बैड। तो ये बंदे का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्थ है, तो ठीक है इसको एक सुपर पंच से कहानी खलास करते हैं। आई एम सो सॉरी ब्रो, बट यार ये मौका तेरे लिए काफ़ी होगा। ओके तो ये भी अपने साथ हार चुका फाइनली। अब ये बंदा वैसे भी चाय कम पानी है यार, अपने को कोई नहीं हरा सकता जल्दी। ओके किसी का लेवल नहीं बढ़ा तब तो बेकार ही है, मतलब इसको हरा के कुछ मतलब ही नहीं है। बट ये आई थिंक पैसा मिला, मैंने नोटिस किया इसमें पैसा मिल रहा है। नो क्या हुआ भाई, द लीडर विल हैव नो मर्सी, नो मर्सी। ओके बोलता है मेरा लीडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा भाई, पहले पकड़ना तो पड़ेगा छोड़ने के लिए। आई गॉट अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। ओके रोबोट भाई तेरे को बैड फीलिंग आ रही है, रोबोट को होकर बैड फीलिंग, मतलब भाई तेरे पर दिल विल है क्या, तब यह सही बात है। डू यू रियली थिंक डॉक्टर मार्गो गोइंग दिस फार ऑन हर ओन। हाँ मतलब ये बंदा बोल रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि मार्गो अकेले इतना दूर जा सकता है, सही बात बोल रहा है लौंडा, गलत नहीं बोल रहा है। चलो ऊपर चलते, जब वो ऊपर भाग के गया तो ऊपर ही होगा हिडन विलेज, ऐसा मुझे लगता है, क्या पता हो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। अभी तक मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि हम लोग फाइनल पहुँच गए हिडन विलेज में, बकला 1 बार भी नहीं पहुँच रहे हैं, हमारा लंबा वाला काटा जा रहा है, सिर्फ बहुत लंबा वाला काटा जा रहा है, क्या ही बोलना। सब हम ढूंढ रहे हैं हिडन विलेज, ओके ओके इस बार सच में हिडन विलेज है, दिस मस्ट बी द हिडन विलेज, दिस इज एनी एक्सप्लोरर ड्रीम। ओके बोलते हैं कि ये सारे एक्सप्लोरर का ड्रीम है कि हिडन विलेज में आना। ओके दिस प्लेस वॉज फाउंडेड बाय द फॉर्मर ओवरसीयर खान, ही वॉन्ट द सेफ हेवन फ्रॉम द नेक्स्ट लॉर्ड, दिस रियली सीम्स लाइक अ परफेक्ट प्लेस टू हाइड इन द नेक्स्ट लॉर्ड। ओके सही बात है, डॉक्टर मार्गो माइटी बी समवेयर अराउंड हियर, लुक हे टेक अ लुक। ओके डॉक्टर मार्गो को अपना ढूंढने का काम है, बट आई थिंक सो, ओके नॉट बैड प्लेस बॉय, नॉट बैड। क्या डांस कर रहे यार, मैं भी तुम लोग के साथ डांस करूँ, झिंगा लाला हो हो, झिंगा लाला हो हो, कैसा लगा मेरा डांस। ओके बकवास डांस था आई थिंक सो। चलो इस घर में चेक करते हैं क्या है, दिखा दे भाई क्या है इस घर में, कुछ खतरनाक है क्या। अरे अन्ना खुल जा, इतना लोडिंग तो मेरे चचा के मौसा के ताऊ के अंकल का भी पीसी नहीं होता है इतना मेरा पीसी लोडिंग लेता है, पता नहीं कि मेरे पीसी को नखड़े करने का शौक है। ओके अरे घर के बाहर तो डांस हो रहा है, घर के अंदर भी डांस हो रहा है, बहुत बढ़िया डांस करती लौंडिया, मेरे साथ चलेगी घूमने। वे सेलिब्रेट द ग्रेस्ट हीरो अजर एवरी सिंगल डे। ओके वी वैन इज द किंग ऑफ मॉन्स्टर ही सेड आवर वर्ल्ड। ओके अजर आई थिंक सो, जो क्या बोलते हैं ओमनिक्रॉन से भिड़ा होगा। ओके एंटी स्लीप, क्या बात है, एक भोंपू मिल गया बहुत बढ़िया, किसी के कान में बजाएंगे उसका कान फाड़ देंगे। ओ डियर व्हाट आर यू डूइंग टू इन आवर हिडन विलेज। अरे घूमने आया हूँ और क्या करने आया हूँ। इफ यू कम दिस फार देन मे बी यू आर अ वर्दी ऑफ बी केयरफुल। ओके बोलती है कि तुम इतना आगे आ चुके हो तो मतलब तुम इसके काबिल हो। हाँ बात तो सही है, मैं इतना काबिल तो हूँ इसलिए तो मैंने काबिल पिक्चर नहीं देखा। अच्छी बात है भाई, कोई काबिल पिक्चर देखोगे तो तुम्हारी काबिलियत क्या बोलते हैं काबिलियत चली जाएगी। सही बात कर रहा हूँ, वो पिक्चर बहुत बेकार है, पता नहीं क्यों सबको पसंद आया बट मेरे को बेकार लगा। ओके तो सेकेंड फ्लोर पे एक बुक है और यहाँ कुछ माल पानी पड़ा नहीं है फ्री वाला, वैसे बढ़िया घर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया मतलब ट्री हाउस एक नंबर बनाए हैं इन लोग। अगर हिडन विलेज में ट्री हाउस देखने ना मिले तो कहाँ देखने मिले, मतलब ओपी है बोले तो। ऐसे ही हिडन विलेज अपने रियल वर्ल्ड में भी होना चाहिए, मतलब होते हैं बहुत सारे आदिवासी
रहते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, बट फिर भी चलो ठीक है। तो आई थिंक सो तुम लोग को ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से ये एपिसोड भी थोड़ा छोटा ही है, बट या आई थिंक सो ये एपिसोड तुम लोग को पसंद आया हो। तो एपिसोड पसंद आया तो चैनल पर नए आए हो तो लाइक मार दो, जैसे चैनल पर नए आए हो तो लाइक मत मारो, सब्सक्राइब मारो, उल्टा ही बोल दिया, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो, और क्या बोलना चाहिए। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।